हाँ तो भाई मैं आया हुआ हूँ अभी कैसबिट यूनी और यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं अपना वुमेंस डे और पाकिस्तान डे सेलिब्रेट। अगर रो भाई आप यार मैं ओ हो प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटोग्राफर पिक्चरबाज। चलो अच्छा अब यहाँ पे ये सारी तफ्तियाँ को छोड़ो, अंदर जाना है हमें। क्या हो रहा है बताना नहीं किसी को। अच्छा ये तो यार यहाँ के सीन्स ना कुछ ऐसे हैं कि मतलब यहाँ पे आवाज़ तो आने वाली नहीं है बाहर से। यहाँ के सीन्स तो अभी आप लोगों को हमने दिखा दिए हैं कि क्या सीन्स हैं। बाकी यहाँ पे ना एक बात ये है कि बड़े है ना सर, मैं सिर्फ अभी बाहर इसलिए जा रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे शोर हो रहा है तो मैं बोल नहीं सकता इससे, आवाज़ इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। बाकी यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी में मुझे अभी अच्छी बात एक ये लगी है कि यार यहाँ पे ना वुमेंस डे निकल चुका है, 8 मार्च को था वो निकल चुका है, लेकिन ये लोग अभी भी अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान डे भी उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मिनल। मिनल, अच्छा तो मिनल आप क्या करती हैं? I'm studying BBA in Casbit. I'm in third semester. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? लैब आमिर। अच्छा तो लैब आप क्या करती हैं आप? मैं BBA 3 में एनरोल्ड हूँ, थर्ड सेमेस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? नसर अशरफ। नसर अशरफ माशाल्लाह से अच्छा नाम है आपका, क्या मतलब है इसका? यार भूल गया। तो सर मैंने आज यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी मैंने यहाँ पे देखा आप लोग पाकिस्तान डे और वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आप मुझे एक बात बताओ ये 23rd of March को क्या हुआ था? रेजोल्यूशन डे जी माइट ऐसा ही है। अच्छा तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि सर कायद आजम की डेट ऑफ बर्थ क्या है? यार ये 25th December। इतने मुश्किल जनरल क्वेश्चन नहीं पूछो। जो बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कायद आजम की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25th December। अच्छा फिर डेथ कब हुई थी? पता नहीं। ओके 23rd September आई गेस। ओ भाई मारो मुझे। खैर आप लोग यहाँ पे वुमेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी माशाल्लाह से एक लड़की हो, तो आप मुझे एक बात बताओ कि मर्द बेहतर है या औरत, आपका क्या नज़रिया इस पे? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे अगर औरत है एक उसको सपोर्ट देखे बचपन से एक आदमी ही करता है, क्योंकि देखें उसको जब वो पैदा होती है तो उसका एक बाप होता है, उसको ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो उसकी स्टडीज़ में हेल्प करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको ऑब्वियसली एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो वी कांट से के वुमेन आर मोर बेटर देन मैन, ऑब्वियसली बोथ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ईच अदर्स लाइफ। देखें हर किसी का एक अपना होता है, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ मैन हम लोग को ये चाहिए कि हम दूसरे जेंडर को ऑब्वियसली कोई भी हो, वुमेन हो या फिर अलग कोई जो भी अलग जेंडर्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट दें, मतलब इज्जत दें। अच्छा तो मैं अब इंटरव्यू में सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपसे भी करूँगा, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़की कभी भी चाह कर भी कभी नहीं कर सकती, बेशक जितना भी राइट्स के लिए अपने लड़ रहे हैं लेकिन वो कभी वो काम नहीं कर सकती, मर्द कर सकता है सिर्फ? ऐसी आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी चीज़ है जो लड़की नहीं, अगर लड़की चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी वीडियो पॉज करते हैं फिर सोच के मैं बताता हूँ। नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकती लड़की, नमाज जनाजा औरत कभी नहीं पढ़ सकती। क्या कर रहे हो?
हाँ तो भाई यहाँ पे अब इवेंट हो गया, इन लोगों का ख़त्म। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट इस तरह करके मतलब तफरियाँ कर रहे हैं, आपस में बैठे हुए, गैदरिंग लगी हुई है। बाकी यार यहाँ पे तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के डायरेक्टर साहब, जितने भी लोग हैं सारे बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत सारे इज्जत देने वाले लोग हैं। बाकी माशाल्लाह से इन लोगों ने मुझे शील्ड प्रोवाइड किए, एक फ्लावर प्रोवाइड करा है, बड़े अच्छे से इस्तकबाल करा है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कैसबिट यूनिवर्सिटी की कि ये लोग इज़्ज़त देने में बहुत अच्छे हैं। बाकी सना मैम, इन्होंने हमें इनवाइट करा था, ये हैं काउंसलर यहाँ की, बाकी इन्होंने मुझे इनवाइट करा था। थैंक यू सो मच मैम आपका, मैम आपका भी थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। यस मैम, मैंने सब ले लिया, थैंक यू सो मच। बाकी यहाँ पे ना अब आगे का सीन ऐसा है कि मैं बस अभी बनाऊँगा टिकटॉक वीडियोज़ थोड़ी सी, क्योंकि वो तो बनाना लाजमी है भाई, आप लोगों को पता है, वीडियोज़ नहीं तो कुछ नहीं। बस वीडियोस वगैरह बनाने के बाद मैं फिर निकलूँगा, खाना वाना खाऊँगा घर पे आके, और फिर आगे देखेंगे ना। अभी क्या पूछ रहे हो, अभी क्या देख रहे हो, आगे देखेंगे। हाँ तो भाई वीडियोस बना के हम हो गए फारिग, और यार ये सदर के उसमें ना भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बंदा यहाँ पे इन लोगों को कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा निज़ाम करना चाहिए जहाँ पर यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो, बंदे की हालत बुरी हो जाए भाई ट्रैफिक में फंसे फंसे। खैर अभी यहाँ पर करते हैं हम लोग अपने व्लॉग एंड, क्योंकि अब मैं घर पर आऊँगा। एक मिनट यार मुझे गियर मारना है, घेर मारना है मेरे को। तो खैर सो गाइस यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना ब्लॉग एंड, क्योंकि अब मुझे घर जाना है, खाना वाना खाना है थोड़ा सा, और बाकी वीडियोस वगैरह निकालनी है, एडिट करनी है। क्योंकि इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। बाकी ट्रैफिक खुल चुका है और हम लोग चल रहे हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी कल। अल्लाह हाफिज़।